नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेज, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल वीडियो आपको लेकर आया था 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए, और आपका था कि साइक्लोअल्किन पर हमने डिस्कस किया था। सो आज हम लोग साइक्लोअल्किन पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमने साइक्लोअल्किन में आपको बताया था, सेम वही चीज रहेंगे, बस यहाँ अल्किन वर्ड आ जा रहा है। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है आपका साइक्लोअल्किन। देखिए, साइक्लोअल्किन में था कि अल्किन ग्रुप एक रिंग में बंधा होता था, और आज अल्किन है तो यहां से ये पता चल गया कि साइक्लो में अब अल्किन ग्रुप रिंग में बंधा होगा। एन था तो डबल बॉन्ड था, ए सिंगल बॉन्ड था, ये नहीं तो डबल बॉन्ड आएगा, और कहीं कुछ नहीं है। तो हम लोग अगर इसको तीन दौड़े तो ये तीन भागों में टूट जाएगा। एक का नाम होगा साइक्लो, तो बीच में मिला अल्क और अंत में मिला वाई। हम मैंने कल डिस्कस किया था कि जो पहले जुड़ा रहता है उसका नाम होता है प्रीफिक्स, राइट, और जो अल्क जो बीच में जुड़ा है इस अल्क को हम लोग कहते थे वर्ड रूट, और प्लस E-N-E जो है ये लास्ट में जुड़कर उसके सफिक्स को इंडिकेट करता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ये नाम लेने की एक प्रक्रिया होगी जिसकी वजह से हम लोग साइक्लोअल्किन का नाम देंगे। हालांकि हम आपसे ये बताएं कि साइक्लोअल्किन है क्या, तो आप जनरली ये बोल दीजिएगा कि सर वैसा अल्किन जो एक रिंग के रूप में बंधा रहता है, मैंने जब रिंग के रूप में बंध जाए, चारों तरफ से बंध जाए, तो उसको हम लोग कहते थे साइक्लोअल्किन। तो इसको याद रखिएगा कि वैसा अल्किन जो रिंग के रूप में बंधा हो उसे साइक्लोअल्किन कहा जाता है। तो ये चीजें आपको जनरली याद रखना होगा कि साइक्लोअल्किन में अल्किन ग्रुप रिंग के रूप में बंधा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं वैसा अल्किन जो रिंग के रूप में बंधा होता है, चूंकि साइक्लो का मतलब होता है रिंग, चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए, जो रिंग के रूप में बंधा हो उसे साइक्लोअल्किन कहा जाता है। जिसमें याद रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है GMF जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला, ये होता है CnH2n-2, और जहां n का मान कम से कम 3 या 3 से ज्यादा होता है बट 3 से कम नहीं होता है। तो ये जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला ही इसके स्ट्रक्चर को भी डिपेंड करेगा। अर्थात अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो हमारा बनेगा, अगर हम लोग n का वैल्यू 3 लें तो हमारा फॉर्मूला है C3H2 × 3 और माइनस में 2 C3, 3 × 6 माइनस में 2 C3 और 6 में से 2 गया, बचा आपका। तो ये हमारा मिला सबसे सिंपलेस्ट साइक्लोअल्किन। और यदि हम लोग इसके स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो ये कुछ इस किस्म के बनेगा, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड। अब इसमें एक डबल बॉन्ड को आना होगा, चूंकि जो इन है ये डबल बॉन्ड को ही आपको बताता है, इसलिए इसमें कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करा दीजिए हाइड्रोजन से। तो इसको चार चाहिए तो 1 2 3 तीन बंधन मिला, एक घट रहा, इसके पास 1 2 2 बंधन मिला, अभी भी 2 घट रहा, इसके पास भी 3 बंधन मिला, अभी भी 1 घट रहा। तो ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर। तो हमने क्या बताया कि वैसा अल्किन, चूंकि डबल बॉन्ड है तो अल्किन को बताएगा, तो हम लोग कह सकते हैं वैसा अल्किन जो रिंग का निर्माण करता है उसे साइक्लोअल्किन कहा जाता है, या ये बोल दीजिएगा वैसा अल्किन जो रिंग के रूप में उपस्थित रहता है, बंधा रहता है, उसे साइक्लोअल्किन कहा जाता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 होता है, जहां n का मान कम से कम 3 या 3 से बड़ा होता है। हालांकि यही फार्मूला अल्काइन का होता था, लेकिन वहां n का मान कम से कम 2 होता था, लेकिन यहां कम से कम 3 हो गया। याद रखिए, कभी भी साइक्लिक मतलब रिंग बनाने के लिए आपको कम से कम 3 ही कोई भी वस्तु चाहिए, 3 से कम वस्तु लेकर आप कभी भी रिंग नहीं बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये इसका एक एग्जांपल था। मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यदि n का मान अगर हम लोग 4 लेते हैं, तो फॉर्मूला था हमारे पास Cn मतलब 4 इंटू एच 2 इंटू 4 माइनस 2, ये हो जाएगा C4, 4 दूनी के 8 माइनस 2 C4, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपका दूसरा साइक्लोअल्किन। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो ये बनेगा, 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन को 2 जोड़ दीजिए, और तब आप बताइए
कि हमको कहीं एक जगह तो डबल बॉन्ड लेना ही होगा, तो आपका मतलब कहीं भी आप ले लीजिएगा, दो यहाँ डबल बॉन्ड लिया तो अब ये सब सिंगल सिंगल बन चुके हैं। अब बंधन पूरा करिए तो एक दो तीन, तो इसका और एक घट रहा, वन टू इसका टू, इसका भी दो घट रहा, इसका एक घट रहा, हो गया ये। हम लोग चाहे तो इसी चीज को ऐसे भी बना सकते हैं, देख लीजिए यही सेम चीज है, हमने यहाँ कार्बन हाइड्रोजन को विलुप्त कर दिया है, बट दोनों ही चीजें सेम है। तो ये आपका था कि जब n का वैल्यू तीन लेते थे तो ऐसा बना था, सॉरी तीन लेते थे तो ट्रायंगुलर बना था, चार लिए तो फिर आपका रेक्टेंगुलर बन गया, इसी तरह से पांच लेंगे पेंटागोनल बनेगा, छह लेंगे हेक्सागोनल बनेगा। तो हम आपको डायरेक्टली दिखा देते हैं, देखिए जैसे अगर n का वैल्यू हम लोग पांच लेते हैं तो ये बनेगा सी फोर फाइव एच टू इंटू फाइव माइनस टू सी फाइव, इसमें टेन माइनस टू सी फाइव, टेन माइनस टू इक्वल टू एट। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तब हमको फाइव कार्बन चाहिए, और तब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन हमारे पास आठ है, तो आठ हाइड्रोजन है और हमारे पास पांच कार्बन है, तो कम से कम एक एक के पास देते हैं तो भी समस्या है कि एक एक देने के बावजूद भी तीन बचेगा, और तीन बचेगा तो पांच के पास फिर बंटवारा कैसे होगा। तो पहला नियम देखिए कि हमको तो ये चारों तरफ से रिंग में बंधा ही है, साथ में अलग बोले तो कार्बन मिला ही है, इन है इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड कहीं एक जगह लाना होगा। अब आपकी मर्जी अब कहाँ लाना है, मान लीजिए मैंने नीचे वाला में डबल बॉन्ड बना दिया, अब सबकी वैलेंसी पूरा करेंगे, एक कार्बन को चार चाहिए, वन टू थ्री, तीन तो बंधन यहाँ दिख रहा और एक घट रहा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दीजिए, इसको भी एक कमी हो रही है, इसको दो की कमी, इसको दो की कमी, इसको भी दो की कमी। चाहे तो हम इसको जिगजैग फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन को विलुप्त कर सकते हैं, तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर को ऐसा बना सकते हैं, ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है बट ये जिगजैग फॉर्म में है, और जिगजैग फॉर्म में होता क्या था कि कार्बन और हाइड्रोजन को विलुप्त कर दिया जाता था, छिपा दिया जाता था, बट उसे व्यक्त नहीं किया जाता था। तो ये चीजें थी जब हमने इसकी संख्या कितनी ली थी, पांच, अब छह लेते हैं और उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर हमको कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसको ऐसे जैसे बदलेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड आपको नीचे था तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इसी चीज को हम लोग इस रूप में बदल सकते हैं, राइट। यदि n का मान अगर हम लोग छह लेते हैं तो फिर आप देखिए जब n का वैल्यू सिक्स लेंगे तो फॉर्मूला होगा सी सिक्स एच टू सिक्स माइनस दिस, एंड दिस बचेगा दिस, एंड दिस इंटू दिस माइनस दिस, एंड सिक्स और इसमें से ये गया तो दिस। तब हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बन जाएगा कुछ इस किसी का, तो जब कार्बन की संख्या सिक्स हो गई तब ये साइक्लोएल्केन का निर्माण कुछ ऐसे करेगा। हम लोग चाहे तो इसको जिगजैग के रूप में इस कार्बन हाइड्रोजन को विलुप्त करके और कहीं एक डबल बॉन्ड दिखा दें, यही स्ट्रक्चर ये वाला है, तो नहीं चाहिए। अभी तक हमने आपको ये बताया था कि जब कोई अल्केन ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड किसी रिंग में आ जाए, आपको चारों तरफ से बंद ग्रुप में आए, तो वही आपका था साइक्लोएल्केन। इसमें जो पहले होता है इसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो बीच में हुआ था उसको वर्ड रूट कहते हैं, जो अंत में आता है उसको सफिक्स कहते हैं। जब नोमेनक्लेचर करने चलेंगे तो हमको फिर वो चीजें पीछे वाला कल का रिपीट करना होगा। लेकिन मैंने बोला था कि जो लोग आज मतलब आज ये पहली वीडियो देख रहे हैं, आप पीछे डिस्क्रिप्शन में पीछे वाला वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। तब याद रखिए कि कल हमने बताया था कि यदि कार्बन की संख्या एक होती थी तो मेथ कहते थे, दो को एथ कहते थे, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेप्ट, आठ ऑक्ट, नौ नून, दस डेक, ग्यारह को वन डेक, बारह को डू डेक, इसी तरह ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक अगर अगर चलता था। तो आज हम लोग को देखना है कि जब इसका नोमेनक्लेचर करने चलेंगे साइक्लोएल्केन का, तो आपको ये चीजें याद रखना होगा कि पहले प्रीफिक्स चाहिए और प्रीफिक्स में साइक्लो ही लगाना है आपको, और कभी कार्बन की संख्या गिन के वर्ड रूट लिख देंगे, और सफिक्स के रूप में आपको हमेशा ई ए ई ही लगाना है क्योंकि डबल बॉन्ड का जिक्र होगा। तो आइए आज हम लोग नोमेनक्लेचर करके देखते हैं कि साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर आखिर कैसे होता है। तो अब हम लोग को देखना है कि साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन,
साइक्लोएल्केन का नेमिंग करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं और तब हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन में साइक्लोएल्केन का नेमिंग करना है, तो नियम तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको कहेगा आईयूपीएससी नेम दीजिए तो उस कंडीशन में पहले आपको प्रीफिक्स चाहिए ही चाहिए और प्लस इसके बाद आपको वर्ड रूट चाहिए और वर्ड रूट के साथ साथ आपको अंत में ईएनई ऐड कर देना है। ठीक, इसके अनुसार हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे साइक्लोएल्केन। तो देखिए साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई साइक्लिक रिंग है और वो है CH2 bond CH bond CH bond CH, तो इसको ही हम लोग चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें हम डबल बॉन्ड यहां दिए तो इसमें भी हम यहां दे दिए। नोमेनक्लेचर में कुछ चीजें आपको ध्यान रखना होगा और वो क्या रखना है कि सबसे पहले गिनती जब हम लोग करने चलेंगे साइक्लिक रिंग में कार्बन की, तो उस कार्बन की गिनती पहले करेंगे जहां डबल बॉन्ड जुड़ा हो, और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड की गिनती ऐसे करेंगे ताकि दो लगातार संख्याओं के बीच डबल बॉन्ड आ जाए। जैसे अगर मैं इसकी गिनती करूं तो यहां कहूं 1 2 3, तो देखिए यहां से यहां जाने पर 2 मिला और यहां आने पर 3, तो ये डबल बॉन्ड आपको 1 और 3 के बीच में दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1 और 3 लगातार डिजिट तो है नहीं, इसलिए हमारा नंबरिंग गलत होगा। ये वाला हमको यहां पर 1 तब ये 2 तब ये 3 ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लगातार संख्याओं के बीच डबल बॉन्ड पाना अनिवार्य होगा। तब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग नाम में आईयूपीएससी लिखने जाएंगे तो प्रीफिक्स चाहिए और प्रीफिक्स में हम लोगों को क्या लगाना होता है, तो साइक्लो, तो नाम हो गया इसका साइक्लो। अल्क चाहिए, अल्क माने कार्बन की संख्या, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 है, 3 को हम लोग प्रोप कहेंगे और तब अंत में हम लोग को क्या जोड़ देना है ईएनई, तो नाम हो गया इसका साइक्लोप्रोपीन। ठीक इसी तरह अगर कार्बन में डायरेक्टली ऐसा जिगजैग वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला दिया होता कुछ ऐसा और कहता इसका नंबरिंग कीजिए, तो आपका पहला काम यह होगा कि नंबरिंग करें कहां से, तो ऐसा नंबरिंग करना है ताकि ये दोनों एक दो के बीच में ही आए, तो 1 2 3 4। अच्छा इधर से भी कर सकते थे हम लोग 1 2, किधर से करना है लगातार संख्याओं के बीच आने चाहिए और अभी कम से कम, तो आपका ये हो जाएगा 4 कार्बन है तो हम लोग पहले तो साइक्लो ही लिखेंगे और 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट करते हैं अंत में ये नहीं लगा देंगे, तो नाम हो गया इसका साइक्लोब्यूटीन। ठीक इसी तरह से अगर आपको इसमें ऐसा 5 कार्बन होता तो फिर नंबरिंग उसी तरह ऐसे करना ताकि लगातार संख्या होती जाए, तो 5 कार्बन में है तो हम लोग इसको कहेंगे साइक्लो, 5 कार्बन को हम लोग पेंट करते हैं अंत में ये नहीं लगा देंगे। ठीक इसी तरह से मैं एक और नोमेनक्लेचर आपको दिखा दूं, ऊपर वाला को ही मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको ये दिख रहा है। ठीक इसी तरह से हमने एक नोमेनक्लेचर ऊपर कर दे रहा हूँ, आइए तो हमने दिखाया कि आपको 5 कार्बन थे, अब मान लीजिए इस कार्बन की संख्या 6 हो जाती तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती और तब हम लोग इसमें डबल बॉन्ड आपकी मर्जी आप कहीं दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ दे दूँ, तो नंबरिंग ऐसे करना है ताकि दो लगातार संख्याओं के बीच आए, ये नहीं कि नंबरिंग 1 2 3 करते हैं लास्ट में 6 मिल जाए और 3 4 5 6। इसका नोमेनक्लेचर करने जाइएगा तो आपको प्रीफिक्स में क्या लेना पड़ता है, मोर भाई बोल साइक्लो, अल्क में वर्ड रूट बोले तो 6 कार्बन को हम लोग हेक्स कहते हैं और अंत में इन जोड़ देंगे तो नाम होगा इसका साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से नॉर्मल तब नोमेनक्लेचर किए जाते हैं जब डबल बॉन्ड की संख्या 1 थी, तो हमने डबल बॉन्ड के पोजीशन को नहीं लिखा कि कहां आया है, क्योंकि डबल बॉन्ड की संख्या जब 1 होती है तो पोजीशन उसका 1 होता है और 1 पोजीशन को लिखते नहीं थे। सपोज कीजिए कि यदि डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा हो, तब हम लोग नाम लिखते समय एक और चीजों का ध्यान देंगे और वो देखिए हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं यदि डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा होती है। ठीक देखिए जब डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा रिंग में आने लगेगी तो हम लोग उसमें केस कर देते हैं, मान लीजिए केस 1 कि इफ सी डबल बॉन्ड सी इज 2, जब 2 हो तो हम लोग इसका नाम जैसे लिखते थे ना साइक्लो, वो तो साइक्लो आपका रहेगा, साइक्लो के बाद अल्क जो लिखते थे पहले मतलब वर्ड रूट, अब ये अल्क नहीं अल्का में बदल जाएगा, तब हाइफन देंगे
फिर पोजीशन लिखेंगे डबल बंड वाला, तो एक एक्स पाएगा तो एक वाई पर दो है तो ढाई डबल बंड है, तो इन तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लो अल्का एक्स कोमा वाई डाई इन। तो ये होगा आपका नोमेनक्लेचर जब डबल बंड की संख्या दो है। सपोज कीजिए कि इसकी संख्या तीन आ जाए तो केस टू बना दे रहे हैं कि इफ सी डबल बंड सी इज थ्री, अगर तीन हो तो उस कंडीशन में फिर हम लोग यही लिखेंगे बस साइक्लो अल्क को अल्का एक एक्स पर वाई पर जेड पर तीन है तो ट्राई और डबल बंड है तो। इसी तरह से मान लीजिए चार होता तो ये लिखते साइक्लो अल्का एक्स वाई जेड और कुछ आता और तब ट्राई अगर टेट्रा कर देते टेट्राइन, पांच आता तो पेंटाइन, छह आता तो हेक्साइन। मैं एक एग्जांपल भी आपको एक एक दोनों पर दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए यहां देखिए इसमें डबल वन की संख्या आपको दिख रहा होगा दो है, तो हमारा काम क्या होगा कि पहले नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल वन को कम नंबर मिले। तो गिनती अगर हम लोग यहां से करते चले वन टू थ्री फोर फाइव, तो देख रहे हैं कि एक पर एक पोजिशन मिला डबल का और एक चार को मिला। लेकिन जब हम इधर से चलते यहां से गिनती वन फिर टू फिर थ्री फोर फाइव, तब हम क्या देखते कि एक डबल वन का पोजीशन एक के बाद और एक तीन के बाद। तो नंबरिंग उधर से करना, मैं बार बार वही रूल नहीं लिखाऊंगा, पीछे वाला रूल आपने पढ़ा था कि नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल वन को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग का मतलब नंबरिंग अप्लाई आर एफ पी डी सी डबल वन सी, अर्थात सी डबल वन सी पर आर एफ पी डी अप्लाई करना है, तो हम लोग ये नंबरिंग सही मान लेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन था जिसका नंबरिंग ये मिला, तो हम लोग नाम लिखेंगे इसमें कितना है दो, दो बोले तो ये वाला, तो हम लोग पहले लिख देंगे इसका सी वाई सी एल ओ साइक्लो अल्क, माने कार्बन की संख्या पांच है तो पांच का नाम होता था पेंट, तो ये हो जाएगा पेंटा। एक डबल बंड एक पर है और एक डबल बंड तीन पर है और दो है तो डाई और डबल बंड है तो नाम हो गया साइक्लो पेंटा वन कमा थ्री डाई इन। तो ये हुआ इसका नोमेनक्लेचर। मान लीजिए तीन आ जाता तो जब देखिए तो इसमें नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं सब बराबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हाँ बस ध्यान रहे यहां सीधा नहीं चलना है तो सिंगल वन, हमको डबल वन चाहिए ही चाहिए एकदम अनिवार्य है, इसलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो नाम इसका कैसे लिखेंगे सी वाई सी एलो साइक्लो, फिर अलका है तो अलका में हम लोगों को क्या चाहिए कार्बन की संख्या कार्बन छ है तो छ का नाम आपको पता है हेक्स होता है, ये हेक्सा हो जाएगा। एक डबल बंड एक पर एक तीन पर और एक पांच पर, तो नाम क्या हो जाएगा वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव, तीन हुए है तो ट्राई डबल बंड है तो इन, और इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कर देते हैं। अभी तक हमने आपको ये बताया था कि रिंग में केवल डबल बंड आते थे, साइड से कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा था, इसके आजू बाजू कोई ग्रुप नहीं जुड़ा था। अगर आजू बाजू कोई ग्रुप जुड़ जाए ना तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, पहला काम तो आपका वही होगा कि डबल बंड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ऐसे गिनती करेंगे। सपोज कीजिए दोनों तरफ से डबल बंड की पोजीशन सेम आने लगे तो उस कंडीशन में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। यदि सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों तरफ से समान आने लगे तो फिर फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करके उसका नोमेनक्लेचर कर दें। तो हम उसका एक नोमेनक्लेचर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब जो हम लोगों को नोमेनक्लेचर करना है उसमें साइड से कोई ग्रुप जुड़ा हो और वो कैसे जुड़ा होगा देखिए उसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं। देखिए ये कोई ग्रुप है जैसे इसमें रिंग में डबल बंड है और प्लस ऊपर से कोई सीएल ग्रुप जुड़ा है और कहेगा इसका नाम लिखिए, तो पहले नोमेनक्लेचर में क्या होगा इसको आप समझ लीजिए, मेरे पास नहीं है इग्नोर कीजिए, पहले इसमें नंबरिंग कीजिए डबल बंड को कम नंबर चाहिए, तो इसमें करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक अब सोच रहे होंगे कि सर हम नीचे से भी कर सकते थे, तो कोई बात नहीं आप एक नीचे से ही कर दीजिए, लीजिए मैं अंदर अंदर नीचे से कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि इधर से भी एक दो पर डबल बंड इधर से भी एक दो पर डबल, जब दोनों तरफ से डबल बंड एक ही तरह जैसा आ रहे हैं तो अब इसमें ध्यान देंगे कि साइड चेन भी कुछ जुड़ा है अलग से, उसको कम नंबर किधर से जाने पर मिल रहा है। तो अगर हम लोग इधर से चले वन टू थ्री तो तीसरा पोजीशन आया, अगर इधर से चलते तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह पोजीशन आया, तो वो नंबरिंग सही होता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिला हो, तो बाहर वाला गिनती सही है और अंदर वाला गिनती गलत है। तब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, पहले साइड चेन का नाम
फिर इसका नाम जैसे आप लोग लिखते थे, तो क्लोरो है और ये वाला आपका थ्रीको है, तो नाम हो जाएगा थ्री क्लोरो और टोटल कार्बन की संख्या 6 है, अर्थात साइक्लो लगाएंगे 6 के लिए हेक्स लिखेंगे और डबल बॉन्ड है इसके लिए ही लिखेंगे, तो नाम हो गया थ्री क्लोरो हेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो गया। सपोज कीजिए इसमें डबल बॉन्ड की संख्या 2 आ जाते या फिर सबसेक्वेंट ही 2 आ जाते, यहाँ पर बी आर जुड़ जाता, यहाँ पर सी एल जुड़ जाता और कहता इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, तो नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से इसको पहले कम नंबर में, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, हम चाहते तो इधर से भी पढ़ सकते थे 1 2 3 4 5 6, लीजिए करके दे देना ठीक। अब देखिए डबल बॉन्ड इधर से भी एक दो के बीच, इधर से भी एक दो के बीच, जब दोनों डबल बॉन्ड की संख्या समान आने लगे तो दो सब्सट्रेट है, अब दोनों को कम नंबर चाहिए, इधर से जा रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं तो दो के पर मिल रहा है, इधर से भी जा रहे हैं तो दो पर, ऊपर भी एक दो नीचे से भी एक दो, तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें ए बी सी डी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोले तो जो पहले आता है अल्फाबेट में, तो ये बी है और ये सी है, बी पहले आएगा और सी बाद में, तो बी वाला को कम नंबर चाहिए, तो जब यहाँ 1 लिखेंगे तब ना इसको कम नंबर मिलेगा, यानी यहाँ 1 इस लाइन में मिला है इसलिए हमको ऊपर वाला नंबरिंग सही है, नीचे अंदर वाला नंबरिंग गलत है। तब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो नाम पहले इसका लिखेंगे, बी आर का एक पर है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर देखिए 2 पर क्लोरो है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, और टोटल कार्बन की संख्या 6 है तो लिखेंगे हेक्स और डबल बॉन्ड है तो 3, तो नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सीन, और इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है ठीक। तो अगर कोई साइड चेन जुड़े तो भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर चाहिए, उसके बाद फिर आपको ये याद रखना है कि अगर डबल बॉन्ड कम से कम नंबर मिल जाए तो देखना है कि सब्सट्रेट को कम से कम नंबर मिले कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड समान आ रहा हो, तो इस तरह से अगर नोमेनक्लेचर आए तो आप कर लीजिएगा कोई भी नोमेनक्लेचर हो, और इस तरह से आपका साइक्लो एल्कीन का नोमेनक्लेचर और साइक्लो एल्कीन खत्म ठीक।